अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं अचारी चिकन, जो कि बहुत ही झटपट सी बनने वाली रेसिपी है। तो सबसे पहले हम अचारी मसाला बना लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए कलौंजी, हाफ टी स्पून कलौंजी ली है, अखा धनिया ले लिया है मैंने 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून राई, हाफ टी स्पून सौंफ और 1/2 चम्मच मेथी ली है। मेथी ज़्यादा कड़वी होती है, इसे सिर्फ 1/2 चम्मच लेना है। और 3 मैंने सूखी हुई लाल मिर्चें ली है, इनको हल्का सा हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, ज़्यादा रोस्ट कलर चेंज नहीं करना है। हल्का सा ड्राई रोस्ट हो गया, उसके बाद उसको पीस लेना है, दरदरा सा फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो अब हम ग्रेवी बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच तेल ले लिए है। तेल गर्म होने के बाद उसमें थोड़ी कलौंजी डाली है, अब इसमें चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को हमें अच्छी तरह से भून लेना है इसका कलर चेंज होने तक। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को याद से दबाइए, क्योंकि बेल बटन को दबाने से ही मैं जो भी नेक्स्ट रेसिपी डालूंगी वो आपको मिल पाएगी। अब चिकन का कलर चेंज हो चुका है, चिकन अच्छी तरह भून चुकी है, तो इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह से भून लेना है। जब ये भून जाए, अब इसमें हम ड्राई मसाले ऐड कर देंगे, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची, हाफ टी स्पून चाट मसाला और हाफ टी स्पून नमक डाला है। अब 1/2 कप दही शामिल कर देंगे, इसमें दही को अच्छी तरह से फेंट कर डालें। चाट मसाले में भी नमक होता है, इसलिए नमक आप पहले कम ही डालें। अभी टमाटो प्यूरी ऐड कर देंगे, 3 टेबल स्पून टमाटो प्यूरी डाला है मैंने। अगर आपके पास वक्त ना हो, आपको जल्दी जल्दी कुछ बनाना है, तो आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही झटपट बन जाती है ये। अब जो हमने अचारी मसाला प्रिपेयर किया था, जो हमने रोस्ट किया था, उसको मैंने इस तरीके से दरदरा सा पीस लिया है, वो सारा इसमें ऐड कर देंगे। बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है और इसका टेस्ट बिल्कुल अचार जैसा होता है और खुशबू भी इसकी इस वक्त बिल्कुल अचार जैसी ही आ रही है। बहुत ही चटपटी सी रेसिपी है ये, जिसको आप पराठे और नान के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, सारे मसालों को अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। अच्छी तरह से भूनने के बाद अब इसमें 2 कप हम पानी ऐड कर देंगे, पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, एक उबाल आ जाए। तो ये देखिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसमें एक उबाल आ जाए तो इसको हम कवर कर देंगे लीड से। और लीड से कवर करने के बाद इसको 15 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे, क्योंकि चिकन हमें बिल्कुल गली हुई चाहिए। जैसे अचार में अचार बिल्कुल सॉफ्ट होता है, उसी तरीके से सॉफ्ट हमें चिकन चाहिए। तो ये देखिए, 15 मिनट के बाद हमारी ग्रेवी बिल्कुल बनकर तैयार है, अचारी चिकन रेडी है। चिकन भी माशाल्लाह अच्छी तरह से गल चुकी है। तो अगर व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करा कीजिए। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।